खरीदे जाए महंग और जो बेचे जाए सस्ता। एक बात जरूर कहा हम आपसे, कोरोना आपके यहाँ छिड़काव हुआ, धुआं वाला हुआ कि नहीं हुआ, गांव में हुआ कि नहीं हुआ, क्या नहीं, किसने कराया? अपने पैसे से मोना जी ने कराया। मेरे पास बैठी शाम को, हमने कहा बेटा इसमें करोड़ों रुपए खर्च आ रहा है, क्यों करा रही है? कहा पापा जब चुनाव में हम लोग 1 करोड़ खर्चा करते हैं, 1.5 करोड़ खर्चा करते हैं, तो अगर हमारा रामपुर खाल बच जाए तो मैं अपना घर द्वार बेचने को तैयार हूँ, लेकिन रामपुर खाल मोना दीदी प्रमोद तिवारी। और ये भाजपा वाले क्या करते रहे बैठे, जब साबुन के बट्टी आई थी बाटे खाते वह कधाई दिए रहे, इतना काम आई घर में जो मेहमान है कोई आया भाजपा का आपके यहाँ छिड़काव कराने, मास्क बांटने, सरकारी जो आया हजम कर लिया, आपके यहाँ 7,000 लोग प्रदेश में कमाने गए, कमाने कौन जाता है? वही जो गरीब होता है जिसके घर का चूल्हा नहीं चलता 2 टाइम का, जब वो वहां था मोदी जी रात में 1 बजे आए, 8 बजे कहा, 12 बजे से कई दिन का करके, उनको ही नहीं मालूम कि ये रिक्शा वाला जब दिन भर रिक्शा चलाता है, ये मजदूर जब दिन भर मजदूरी करता है, लोग जाता है, तब उसका चूल्हा जलता है और वो अपना पेट काट के थोड़ा थोड़ा बचा के अपने परिवार के लिए लाता है। नतीजा हुआ 1 दिन 2 दिन तो उसका राशन पानी चल गया और 2 दिन के बाद भुखमरी हुई, तो मोना ने 7,000 लोग जो गुजरात में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, हरियाणा, पंजाब थे, अगर किसी ने खाना खिलाया तो मोना ने खाना खिलाया लगातार 1.5 घंटे। आप पता लगा लेना और लोग आपके आसपास गांव मिल जाएंगे जिनको अपना किराया देकर वापस बुलवाया, तो भैया जरूरत पड़े तो हम कहा थे बदलाव चाहिए, काहे खातिर बदलाव चाहिए? अब प्रमोद तिवारी तो उनसे हमारी सूरत खराब यह है कि उनसे हमारा शकल खराब यह है कि उनसे काम के हम तुलना एली नहीं करी, काम के तुलना हम एली नहीं करी, जो किहन नहीं ने कुछ तो हम बताई का एमपी वहां है भाजपा के ही 7-8 साल से एमपी भाजपा का है, जरा हमको 800 मीटर खड़ंजा दिखा दो, हम तो एक गांव में खड़े होकर 8 साल गिना दिए, तो काम से तो तौल नहीं सकते। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना यहां हुआ है मटकन लाला पार करके आप आते